हेलो एवरीवन, हमारे इसमें टू सम कंप्लीट हो गए थे। थर्ड से आगे हम आज सम करेंगे। आगे जो स्टेटमेंट टाइप के सम है और बिल्कुल इजी सम है, एक फार्मूले पे बेस्ड हमारे ये सम है। आप देखिए यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, सर्कल के अंदर ये रेडियस गिवन है हमें और ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, एल से डिनोट करेंगे, और यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो इस तरह के हमें यहाँ जो थीटा जो एंगल बनने वाला है, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो रेडियन के अंदर एंगल होगा, डिग्री में नहीं होगा, रेडियन के अंदर एंगल होगा ये। तो ये इस तरह के समों से, इस डायग्राम से रिलेटेड हमारे सम है। तो ये फार्मूला यूज होने वाला है, थीटा इक्वल एल बाय आर। थीटा यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर है वो यहाँ पे रेडियस है। तो इस टाइप के हमारे सम बनेंगे, इस पे बेस्ड है सम। देख लीजिए हम थर्ड सम कर रहे हैं। ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, एक मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। हमें ये बताना है कि कितना रेडियन का एंगल वो 1 सेकेंड में बनाएगा, और एक मिनट के अंदर 360 चक्कर लगाता है, तो हमें 1 सेकंड के अंदर एंगल निकालना है। देखिए इस टाइप का डायग्राम और ये फार्मूला यूज होगा। एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखो एक बार अगर रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। डिग्री को हम रेडियन में 2π रेडियन लिखते हैं। पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये डिग्री में है, ये रेडियन में, एंगल एक ही बात है, हमें रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन डिनोट कर दिया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन है, 360 गिवन है हमें, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कंप्लीट करता है वो। 1 मिनट का मीनिंग क्या है, 60 सेकेंड के अंदर 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड के हैं, 1 सेकेंड के अंदर 360 बाय 60, यानी ये 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड के अंदर। तो एंगल टर्न बाय व्हील इन 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 6 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, और एक बार कंप्लीट करने पे 2π का एंगल बनता ही है, और 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12π रेडियन हमारा आंसर आ गया। 1 सेकेंड के अंदर 12π रेडियन एंगल बनाएगा वो। तो ये सम था हमारा। फोर्थ सम खुद ट्राई करेंगे। फाइंड द डिग्री मेंश्योर ऑफ एंगल ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, रेडियन 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। यहाँ लेंथ भी दे रखी है, एल दे रखी है, आर भी दे रखी है। जो थीटा आएगा हमारा वो रेडियन के अंदर आएगा, और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया है, सेकंड में किया है। तो एंगल जो आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमारा एंगल आएगा थीटा वाला जो फार्मूला, इस फार्मूले के जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा, और जो हम यूज़ करेंगे वो भी रेडियन में करेंगे। तो यहाँ रेडियन में आएगा और पूछा डिग्री में, तो उसको बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ एल और आर की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दोगे, पाई की जगह 22/7 यूज़ कर लेंगे हम। फिफ्थ सम हमने थोड़ा कर रखा है यहाँ पे। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 60 और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमें डायमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है यहाँ पे, यानी एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये डायग्राम इसका बनेगा। यहाँ हमें डायमीटर 40 गिवन है, तो रेडियस 20 हो गया, और ये जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, इसकी भी 20 लेंथ दे रखी है। तो यहाँ देखिए ओ ए ये क्या बनेगी, ये भी रेडियस बनेगी, तो ये 20 रेडियस है तो ये भी 20। एंड कहने का मीनिंग, इनडायरेक्ट वे से हमारी यहाँ जो ट्रेंगल है वो इक्विलेटर ट्रेंगल बन गई। एंगल नहीं दिया इन्होंने, एंगल नहीं दिया, इनडायरेक्ट वे से दे भी दिया क्या ये, क्योंकि 20 20 20 तीनों साइड बन रही है। एंगल ये जो ट्रेंगल यहाँ बन रही है वो इक्विलेटर ट्रेंगल बन रही है, और इक्विलेटर ट्रेंगल बन रही है तो उसके ईच एंगल हम जानते हैं कि 60 डिग्री के होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये थीटा है वो, हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री का थीटा आ जाएगा। 60 डिग्री रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय 3 रेडियन, तो थीटा ये आ गया हमारा। आर है वो 20 दे रखा है, थीटा और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एल आ जाएगी, और यही हमें फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह आप सिक्स सम भी करेंगे। सिक्स सम के अंदर इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ ए सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। हमें यहाँ
सेम लेंथ है दोनों की और दो डिग्री एंगल में दे रखे हैं, हमें रेशो फाइंड करना। तो ये जो सम है ये सेम हमारा जो फिफ्थ एग्जांपल है उस पर बेस्ड है, सेम ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ जो हमें लेंथ ऑफ आर्क का वो सेम दे रखी है, एंगल थोड़े डिफरेंट है, यहाँ पे 65 110 डिग्री है। तो इस एग्जांपल के हेल्प से हमारा जो सिक्स सम है वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हुए इसको कर लीजिए। लेंथ दोनों में सेम है, L1 L1 दोनों में पुट कर लीजिए, थीटा दे रखा है तो रेडियन का जो रेशो वो आ जाएगा। सिक्स सम सेवन्थ सम में फाइंड द एंगल ऑफ ए रेडियन थ्रो द पेंडुलम स्विंग ऑफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्ड ए आर्क ऑफ लेंथ। तो हमें यहाँ लेंथ ऑफ पेंडुलम का मीनिंग हो गया यहाँ रेडियस, रेडियन जो है रेडियस, रेडियस हमारी है वो 75 डिग्री सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो उसमें 10 डिग्री है, एक में 15 है, एक में 21, अलग अलग में हमें एंगल निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो थीटा इक्वल एल बाय आर वाला फार्मूला पुट करेंगे, एल हमारी ये होगी और आर रेडियन होगी। एल अलग अलग है, तीनों पार्ट्स में रेडियस सेम है, सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान सा सम है, तीनों पार्ट आराम से हो जाएंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट सेकंड सम के अंदर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, आगे वाले समों के अंदर हमने थीटा निकाला, लेंथ ऑफ आर निकाली, या किसी के अंदर एंगल और रेडियन निकाला, मतलब थीटा इक्वल एल बाय आर, तीनों में से कोई दो चीज़ गिवन होकर के बाकी जो थर्ड चीज़ है वो हमें निकालनी थी। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से इसको कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई है पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले जो हमारे 10th क्लास में यूज हुए सारे यूज याद कर लेने अच्छे से, सारे के सारे फार्मूले वो तो यूज होंगे ही, बट नए बहुत सारे और फार्मूले भी आएंगे जो कि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ आगे की भी टेबल देख ही रहे हैं, 90 तक टेबल हमारे 10th क्लास में थी, जिसको 90 तक अभी याद नहीं है तो वो जल्दी कर लें क्योंकि ये 10th क्लास का काम था। अब आगे हमारे एंगल बढ़ गए हैं, पाई 3π/2 और 2π आ गए हैं, तो वो टेबल तो है ही यूज, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के सारे फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद हम ये फार्मूले और भी नए कल करेंगे। ये ध्यान देखिए वैल्यू यूज हो रही है, थ्योरी भी आप पढ़ें, कॉस 0° 1 होता है, साइन 0° 0 होता है, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री की बात करें तो 90 आप पहचान जाने चाहिए, एंगल इतना दे रखा है कि पाई बाय 2 है तो 90 है, वो 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये एंगल दे रखे हैं, ये हम सभी की वैल्यू करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, इसी के साथ सभी ने होमवर्क करके समय से सेंड कर देना है और फार्मूले याद करते रहने हैं। आगे हम फिर सेकंड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे होंगे, ये तो एंगल पे बेस्ड एक्सरसाइज थी, आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ जाएंगे, अलग अलग एंगलों पे वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग क्वाड्रेंट में फंक्शन आ जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में क्या बिहेव है वो डिटेल से हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।